नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पायल रावत और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना चौथा बजट पेश किया। संसद में उन्होंने 90 मिनट की बजट स्पीच दी। उन्होंने रोजगार, मकान और शिक्षा आदि के संबंध में कई बड़ी घोषणाएं की। इस बार फिर से आयकर में कोई छूट नहीं दी गई। वित्त मंत्री ने इस बजट में युवाओं के लिए 60 लाख नौकरियां अवसर तैयार करने का वादा किया। वित्त मंत्री ने कहा कि इस बजट से अगले 25 साल की बुनियाद रखी जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस के प्रति सरकार प्रतिबद्ध है। 1486 यूनियन कानूनों के निरस्त होने के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 लॉन्च किया जाएगा। हम विश्वास आधारित सरकार के विचार का पालन करेंगे। आइए जानते हैं बजट की मुख्य बातें। जनवरी 2022 में जीएसटी का कलेक्शन 1.49 लाख करोड़ रुपए। ये किसी भी महीने में जीएसटी कलेक्शन का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घरों के निर्माण को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। 5.5 करोड़ घरों को पिछले 2 वर्षों में ही नल का पानी उपलब्ध कराया गया। वित्त मंत्री ने अगले 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेन शुरू किए जाने का प्रस्ताव किया। 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने कहा कि निजी कंपनियों की तरफ से 5G मोबाइल सेवाओं की शुरुआत के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी अगले वित्त वर्ष 2022-23 में की जाएगी। सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों MSME की रेटिंग के लिए 6,000 करोड़ रुपए के कार्यक्रम को अगले 5 वर्षों में लागू किया जाएगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए पीएम विकास पहल नाम की नई योजना शुरू की जाएगी। वित्त मंत्री ने देश में शिक्षा प्रदान करने के लिए एक डिजिटल यूनिवर्सिटी के गठन का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक क्लास एक टीवी चैनल की व्यवस्था लागू की जाएगी। पीएम ई विद्या के वन क्लास वन टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। ये सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक के क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। साथ ही इनकम टैक्स दरों में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। हाँ, राज्य सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम में छूट का दायरा 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। ITR में गड़बड़ी को ठीक करने के लिए 2 साल का वक्त मिलेगा। रक्षा क्षेत्र के लिए 68% पूंजी को स्थानीय उद्योग के लिए आवंटित किया जाएगा। चमड़े के सामान सस्ते होंगे, कपड़ा भी सस्ता होगा, मोबाइल चार्जर मोबाइल लेंसेस सस्ते होंगे। इसके अलावा खेती का सामान सस्ता होगा, पॉलिश हीरा सस्ता होगा। कोयला से गैस बनाने की 4 पायलट प्रोजेक्ट शुरू की जाएंगे। वित्त मंत्री ने RBI की डिजिटल करेंसी पर बड़ा ऐलान किया। वित्त मंत्री ने कहा कि RBI की डिजिटल करेंसी डिजिटल रूपी को नए वित्त वर्ष की शुरुआत में ही लॉन्च कर दिया जाएगा। क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लगेगा। वित्त वर्ष ने कहा सरकार 2022-23 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर यानी MSP गेहूं और धान की खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपए भुगतान करेगी। प्राइम न्यूज 24 के लिए पायल रावत की रिपोर्ट।